महाभारत में जो कृष्ण भगवान थे वो कौरवों के बीच गए, संदेशा लेके, आखिरी संदेशा, वहां पे भी उनकी भाषा देखिएगा। महाभारत अगर सीरीज देखिए तो भाषा देखिएगा, दुश्मन से भी इस तरह से बात कर रहे थे जैसे लगता था गुरु जी से बात कर रहे हैं, ये भाषा की मर्यादा। लेकिन आज ये वही श्याम की धरती है, ये वही पुरुषोत्तम राम की धरती है जहां लोग तहजीब भूल गए कि बात करना कैसा चाहिए। ये वही पुरुषोत्तम राम थे जिनके अपने भाई लक्ष्मण जी को जब शिक्षा लेनी थी ना तो रावण के पैताने बैठे थे कि ये शिक्षा लेना है तो उसके पास झुकना पड़ेगा यहां पर। लेकिन आज हम लोग भूल रहे हैं कि हमें बात कर, बात में तो इतना आजकल वो तहजीब ही नहीं रह गया है, इतना रफ बोल दो कि दुश्मन किसी से पूछो एक लड़का पूछा तुम्हारा क्या हाल है, जब तक हम है किसी के भी पढ़ाई में पैसा बाधा नहीं आई। हम शुरू से यही कहते हैं अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा योग्यता होगी, क्योंकि गरीबों को छोड़कर हम देश को आगे नहीं ले जा सकते। ये बचवा जो है देखिए गरीबी कितनी बेशर्म चीज है, जैसे आपने छोटे भाई को कंधे पर लिया है और आगे पेट पालने के लिए पान बेच रहा है, कौन सा यूनिवर्सिटी इसको पढ़ा देगा, कौन एडमिशन देगा इसको, ये पढ़ लेगा दिल्ली में 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये फीस देखिए, बड़ा बड़ा ऑनलाइन जो कंपनी बैठी है वहाँ पर 60,000 70,000 रुपये फीस दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। इसके लिए आते हैं इन लोगों के लिए हम लोग मरते हैं, क्योंकि ये बच्चे कहीं ना कहीं मारे जाते हैं। भगवान से भी क्या कहे, किसी के घर में रोटी की पेटी बरसे ना बरसे लेकिन कोई भी इंसान रोटी के लिए ना तरसे, इतना भी गरीबी नहीं होना चाहिए। इन सब बच्चों के लिए कहता है देखिए आपको तस्वीर, इस तस्वीर में एक शादी का माहौल है, एक दूल्हा है, इनके लोगों का भी बच्चा है, इतना खुश है। इसके लिए हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज हर कोचिंग का दरवाजा है, लेकिन किसी की शादी में ये महिला को देखिए ये लाइट लेके घूम रही है, अपने सर पे लाइट लेके जा रही है, और इस महिला का संघर्ष देखिए, इसके एक छोटे से बच्चे को गोद में ले रखा है, अब इसका जीवन का संघर्ष देखिए छोटे से बच्चे को गोद में, इसका ये भी एक बच्चा है, एक इसका नसीब है और ये भी एक बच्चा है इसका नसीब, इसको सारा जगह दरवाजे खुल, इसके लिए बंद रहेगा। लेकिन याद रखिएगा खान अभी जिंदा है, तब दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर भी हम इनके लिए लाते रहेंगे। इस बच्चे को भी पढ़ाएगा इंसान इतनी सस्ती, इस पढ़ाई की इतना सस्ता और इतना क्वालिटी बेहतरीन करेंगे ना, आने वाले भविष्य में जब ये बच्चा पढ़ेगा और ये बच्चा पढ़ेगा तो सक्सेस के मामले में दोनों बराबर खड़े होंगे, कहीं ना कहीं ये बीच कर जाएगा।